हेलो एवरीवन, टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये 10th पार्ट है पीएलसी का, पीपीटी का। तो आज स्टार्ट करते हैं गाइस। ये जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं आज पढ़ाऊंगा अवेलेबल पीएलसी ऑफ एलन ब्रैडली, यानी फर्स्ट हमारा पीएलसी के बारे में आज से स्टार्ट हो गया है, जो नाम है एलन ब्रैडली। पीएलसी मैंने बता दिया क्या होता है क्या नहीं है। अब आते हैं एलन ब्रैडली, एक पर्टिकुलर पीएलसी के बारे में पढ़ने। ठीक है गाइस, होता है ना वन बाय वन पढ़ना। अब ये पर्टिकुलर, तो इसमें मे बी गाइज कुछ चीजें मैं पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ चीजें दिखाऊंगा पिक्चर में। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें घुस गया तो या तो आप घुस जाओगे उसमें या मैं ही घुस जाऊंगा, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सिर्फ एक पिक्चर दिखाऊंगा एक टाइप का, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। देखो हमारा मेन क्या है, हमें लेबर वर्क तो करना नहीं है, इंजीनियर पर्सन है कोई भी इलेक्ट्रिकल वाला, तो वो क्या सीखेगा, सिर्फ प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर पे वर्क करना, या ज्यादा से ज्यादा वो पार्ट मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, पिक्चर में ज्यादा से ज्यादा वायरिंग भी, ठीक है, क्योंकि वायरिंग इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन मैं अगर इतने सारे पीएलसी दिखा दूँ, उसके पार्ट्स दिखा दूँ, ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इतना कंफ्यूज हो जाओगे। फिर उसके बाद आपको समझाना, मतलब अगर मैं यहाँ पे जब तक 4-5 दिन में, अगर मेरी वीडियो कंटिन्यूस आप देख रहे हो, तो जब तक मैं कंटिन्यूस 200 वीडियो उसके बारे में ना डाल दूं, क्योंकि आने वाला भी टॉपिक ऐसा है कि आप भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे अगर मैं उसको जल्दी से नहीं समझाया तो। या तो आप चैनल छोड़ के चले जाओगे, नहीं तो उसके बाद बोलोगे कि यहाँ तक तो सही था, इसके बाद पता नहीं सर आपने क्या करा क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं उतना ही चीज समझाऊंगा जिसमें सही है और जितना होना चाहिए। तो स्टार्ट करता हूँ बिना देरी करे। फर्स्ट टॉपिक हमारा एलन ब्रैडली पीएलसी का आज से स्टार्ट हो गया। अब देखो गाइस, पीएलसी में कितने टाइप थे, ठीक है, वो क्या था, पीएलसी में कितने टाइप थे, और भी कुछ था, वेरियस ब्रांड थे, ब्रांड मतलब कंपनियों के नाम। ठीक है, हम जो चीज लेने जाते हैं उसका नाम, उसकी लैंग्वेज, उसको सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ लिया था। अब देखो जैसे दिख रहा है अवेलेबल पीएलसी ऑफ एलन ब्रैडली। अब एलन ब्रैडली में जो पीएलसी अवेलेबल है, देखो गाइस, हमारे पास वर्लपूल है, मान लो एक हमारे पास फ्रीज है वर्लपूल, ठीक है, या यार छोड़ो बाइक पे आते हैं, सबको, किसी को बुलेट पसंद होती है, ठीक है, किसी को होता है बजाज जो ज्यादा सर्व वो देती है, हीरो, जो भी बाइक है यार, जो भी ले लो, एफ जेड, जो भी R151, जो भी, ठीक है, एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, सोच लो माइंड में, एक समझाने वाली बात कर रहा हूं। तो हमें क्या है, हर कंपनी का एक बड़ा कंपनी होता है। मैंने यहाँ नॉर्मली 5 के नाम बता दिए, तो आप स्मॉल में मत समझो, एलन ब्रैडली एक कंपनी हो गई। अब देखो हीरो एक कंपनी है या फिर बुलेट एक कंपनी है, तो बुलेट में कितने टाइप की चीजें निकालेगा ना, कितनी चीजें उसमें भी होगी बुलेट में, ठीक है, लेकिन अलग अलग टाइप। अगर बुलेट की बात कर दी, फिर हमने नॉर्मल स्प्लेंडर की बात कर दी, या फिर हमने बजाज डिस्कवरी डिस्कवर ये सब चीजों की बात कर दी, तो सब अलग अलग कंपनी है, किसी को मिक्स हम नहीं कर सकते, और सब जो चीज करती है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो अपनी चीजें बनाती है। ठीक है, वैसे ही गाइस एलन ब्रैडली, समझाने का मतलब ये है कि वो तो पीएलसी के ब्रांड थे, अब एलन ब्रैडली में कितने होते हैं वो ये है एलन ब्रैडली के अंदर। तो मैं अभी जस्ट आपको यही बता रहा था कि मैं इतना नहीं घुसूंगा जितने में आपको लगे कि ये कुछ ज्यादा ही नॉलेज हो गया। ठीक है, तो लेकिन इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा टॉपिक मैं कवर करूंगा जो मैक्सिमम इंटरव्यू में पीएलसी से रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और मे बी उसका जिक्र मैं लास्ट वीडियो में कर चुका हूं, फिर भी जिक्र उसका टोटल उसका टॉपिक ही आने वाला है, तो मैं जल्दी से कवर करता हूं। सबसे पीआई को, ठीक है, ये पीआई को नाम से एलन ब्रैडली का है, माइक्रो, जैसे कि एलन ब्रैडली पीएलसी ऑफ एलन ब्रैडली, ठीक है, पी को माइक्रोलॉजिक, एसएलसी, पीएलसी, देखो पीएलसी तो हमने पढ़ा है, एसएससी सीक्वेंसी लॉजिकल कंट्रोल, माइक्रोलॉजिक एक इसका वो है, मैं बताऊंगा जब तुम इंस्टॉल करोगे ना, तो ये एक वो बन के आता है इसको ओपन करने पर। पी को एक है कॉम्पैक्ट लॉजिक, फ्लेक्स लॉजिक, कंट्रोल लॉजिक, ड्राइव लॉजिक, सॉफ्ट लॉजिक, गार्ड लॉजिक। अब इन सब की पिक्चरें दिखाता हूँ, नो एक्सप्लेनेशन, बिकॉज आई एम नॉट टू, मैं समझा नहीं पाऊंगा फिर, और आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे। जैसे कि ये चीज तो मैं समझाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीएलसी एलन ब्रैडली। गाइस क्या होता है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया आपको, ये माइक्रोलॉजिक है, ठीक है, ये माइक्रोलॉजिक ही दिख रहा होगा, माइक्रोलॉजिक 1000, माइक्रोलॉजी 11, ये, ठीक है गाइस, तो हमारे पास ना ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है,
तो इसमें क्या है, ये पीएलसी हो गया, ठीक है। एक होता है ना यार, सिंपल सी है, विंडो, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, तो ये भी बढ़ते क्रम है ना। इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इजी लैंग्वेज में, ठीक है, समझ में आया। वैसे ही अब आते हैं मेमोरी का, कि विंडो 7 में 1K था, इसमें 8K। यार सिंपल सी बात, जो 10 साल पहले फोन था उसमें रैम कम आते थे 10,000 में, अब वही 10,000 में आजकल साला कैमरा भी देता है, रैम भी ज्यादा देता है और बहुत कुछ देता है। और आजकल 4 GB रैम तो नॉर्मल हो गई है, 6 GB भी नॉर्मल हो गई है, मतलब मैक्सिमम के पास तो यही मिलता है। हाँ, मैं और भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल हो गई है सब चीजें, फीचर इतनी आ गई है ना नॉर्मल फोन में कि वो जल्दी मिलती भी नहीं आईफोन में भी। हाँ, कॉस्टली, उसकी बात ही अलग है, चलो मैं उसको मैं नहीं घुसता हूँ, वो चीज अलग है, फिर उस पर डिस्कशन ना हो जाए। वैसे ही समझ जाओ गाइस, जैसे ही विंडो 7 से 10, 11, 12 तक हुआ, वैसे ही 1K से ये, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बढ़ते हैं, वैसे अपग्रेड होते हैं, वैसे वैसे हमारा ये भी बढ़ता है मेमोरी, ठीक है। उसके बाद वही बोलते हैं ना कि हमें किस टाइप की चीजें चाहिए, माइक्रोलॉजिक 1000। अब देखो गाइस, इनपुट आउटपुट कैपेसिटी, कैपेसिटी की बात वही आ गई, कि हमारे पास माइक्रोलॉजिक 1000 है ना, तो हमारे पास इनपुट आउटपुट 32, 32 भी पोर्ट बहुत होते हैं गाइस, 16 इनपुट में, 16 आउटपुट में, 16 चीजें लगाएंगे तो 16 चीजें चलेगी, इनपुट में लगाएंगे तभी, इसका हाफ हाफ कर लो ना, इनपुट आउटपुट कैपेसिटी यानी दोनों टोटल में है, इनपुट आउटपुट दोनों मिक्स है, तो हाफ हाफ कर लो, क्योंकि हाफ जितना उसमें होगा उतने। उसके बाद इस 8K में कितना होगा, 144। तो आपको जितना, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि जितना यूज है ना उतनी वही चीजें लो, फालतू की चीजें नहीं लेनी, जितना यूजफुल हो आपकी इंडस्ट्री में, यहाँ यूज होता है ये, हमें घर में यूज करना है ये, हमें बच्चों को सिखाना है तो ये लेंगे, उससे ज्यादा यूज करना है हमारी बड़ी बड़ी वो इंस्टीट्यूट है तो वो ले लेंगे। कॉस्ट आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगे, कितना दिन चलाना चाहते हो, क्या है, ठीक है, ये इस हिसाब से है। ये बात आपको समझ में आएगी, वैसे ही नीचे जाते 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 ये सब चीजें हैं, ठीक है। SLC सिक्वेंसी लॉजिकल कंट्रोल, इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा गाइस, ये भी एक अच्छी चीज है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा, एक अलग वीडियो में बना के बताऊंगा SLC, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, देखो एलन ब्रेडली पीको, जैसे मैंने बताया था कितने तरह के होते हैं पीको, ये देखो ये पीको टाइप है, ये इसके पीसी होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ एक बटन होता है, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, फिर वही सब चीजें हो गया, ठीक है। अब आते हैं माइक्रोलॉजिक, ये माइक्रोलॉजिक टाइप हो गया, ठीक है। देखो गाइस, इस पे वर्क हमने कर रखा है, यहाँ पे 4 बटन होते हैं, यहाँ पे सिग्नल बताता है, यहाँ पे अलर्ट बताता है, यहाँ पे इवेंट बताता है, और यहाँ पे कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये बताता है, ठीक है। इसमें वैरायटी भी है, टाइप अलग अलग है, और ऊपर और नीचे इनपुट आउटपुट पोर्ट है, जैसे ये ना, ये इनपुट पोर्ट है और नीचे आउटपुट पोर्ट है, ये दिखाया नहीं गया ऐसे सीधा रख के, ये तो बताता है, ठीक है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एलन ब्रेडली SLC सिक्वेंसी लॉजिकल कंट्रोल गाइस, ये भी एक रैक टाइप होता है, यहाँ पे है ना, ये CPU हो गया, यहाँ CPU लग गया, यहाँ पे एक DOL हो गया, या input 1, input 2, input 3, input 4, input 5, ये कनेक्शन हम एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। वैसे ही अब इसमें भी बहुत सारी चीजें बता दी, अलग अलग खोल के बता दी, SLC प्रोग्राम में ये हो गया, फिर इतना मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं ये जब आएगा तब बताऊंगा, और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। PLC के बारे में जैसे बताया था, PLC में क्या क्या होता है, वही सप्लाई हो गया, SMPS हो गया, फिर आपका मॉड्यूल हो गया, 5 प्रोसेस हो गया, यहाँ पे रैक में लगा दिया, फिर कनेक्शन कर दिया। कॉम्पैक्ट लॉजिक में जो फिक्स होता है, वही सब, ये सब पार्ट है, ये जो यहाँ यहाँ लगे हैं, यहाँ पे लगे हैं उसको ये बता दिया, यहाँ पे लगे हैं इससे ऐसे लगे हैं, ये सब पार्ट इसमें जुड़े हुए हैं, फिर जाके ये एक पार्ट बना है, यहाँ लगा। फ्लेक्सोलॉजिक है गाइस, जितनी बड़ी चीजें जितना जहाँ लगाओगे वही ऐसी ही चीजें हैं, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखते हैं, तो आप भी एक बार देख लो, इसी टाइप के रहते हैं, इतने बड़े बड़े भी नहीं होते। कंट्रोल लॉजिक, किसी भी सिस्टम में इतनी छोटी पार्ट ही होते हैं जो सब चीज कंट्रोल और सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। वायरिंग ऑफ PLC सिंकिंग एंड सोर्सिंग, ये है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरव्यू पर्पज से भी है और हर टाइप से है गाइस, तो मैं इसको जल्दी से कवर अप करता हूँ। सिंकिंग और सोर्सिंग पूछते ही पूछते हैं PLC में, सबसे पहले सिंकिंग और सोर्सिंग, ठीक है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था गाइस, ठीक है, सिंकिंग और सोर्सिंग होता क्या है। देखो सिंकिंग और सोर्सिंग क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंकिंग एंड सोर्सिंग डिपेंड अपॉन द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो सिंकिंग और सोर्सिंग डिपेंड करता है कि हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, किस साइड है, कैसा है नहीं, किस साइड है, किस साइड है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंकिंग एंड सोर्सिंग, वो कॉन्सेप्ट सिंकिंग और सोर्सिंग को डिपेंड करता है अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा वही हम बताएंगे कि ये सिंकिंग है या सोर्सिंग है, बिना डायरेक्शन ऑफ करंट का हम नहीं बता पाएंगे कि सिंक।
अब आते हैं सिंकिंग के डेफिनेशन पे। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इनवर्ड द पीएलसी इज नोन एज सिंकिंग। मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में जो इनवर्ड द पीएलसी हो यानी पीएलसी में जाए वो हो गया सिंकिंग और जो पीएलसी से आए वो हो गया सोर्सिंग। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज आउटवर्ड बाहर आ रहा है ना द पीएलसी इज नोन एज सोर्सिंग। ये पॉजिटिव में जाता है ये नेगेटिव में आता है इतना बताना चाहता हूँ। ठीक है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो लिख लो और ये मैंने अभी जो पीछे बोला ना उसे रिपीट में दो बार सुन लो सब रट आ जाएगा। द कंसेप्ट कोई भी पूछे सिंकिंग सोर्सिंग क्या होता है द कंसेप्ट ऑफ सिंकिंग सोर्सिंग डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और सिंकिंग क्या है सर सिंकिंग इज क्या द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड इनवर्ड द पीएलसी सिंकिंग आउटवर्ड द पीएलसी सोर्सिंग। ओके गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं वायरिंग ऑफ पीएलसी ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊं या इसी में चलो इसी में बताता हूं। द मेथड ऑफ कनेक्टिंग टू डिफरेंट पोलैरिटी सिग्नल कम्युनिकेशन टर्मिनल इट मे बी टू टाइप दो टाइप के होते हैं ठीक है इनपुट वायरिंग और आउटपुट वायरिंग। सिंपल सी बात है इनपुट वायरिंग में दो होते हैं सिंकिंग कॉन्फ़िगरेशन सोर्सिंग कॉन्फ़िगरेशन। आउटपुट में भी दो होते हैं सिंकिंग और सोर्सिंग। गाइज वही बात है सिंकिंग सोर्सिंग मैंने पढ़ाई थी लेकिन इनपुट में भी दो होते हैं और आउटपुट में भी दो होते हैं। अब देखो मैं बता रहा हूँ इनपुट की पार्ट की आते हैं ठीक है इनपुट सिंकिंग और आउटपुट में देखो डायग्राम सेम है पॉजिटिव है यहाँ पे स्विच है इनपुट है पीएलसी है इनपुट सेंसिंग और कॉमन है ठीक है। ये इधर से आ रहा है पॉजिटिव से आता है ना पॉजिटिव से यूं एरो बन के नेगेटिव में जाता है फिर ये पीएलसी में सब सेंसिंग से होके आ रहा है तो वैसे ही क्या होगा ये सिंकिंग है ये इनवर्ड द पीएलसी लेकिन आउटपुट में जाते ही क्या होगा आउटवर्ड द पीएलसी तो क्या होगा डायग्राम यही रहेगा ठीक है। आउटपुट स्विच हो गया ये इनपुट सेंसिंग है आउटपुट स्विच हो गया लेकिन क्या होगा जहाँ आउटपुट है ना वहां जहाँ ये इनपुट था वहां आउटपुट हो गया ठीक है। ये नहीं गाइस सॉरी 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 गाइस मैं गलत चला गया सोर्सिंग इनपुट ये है सोर्सिंग इनपुट ये है इनपुट इनपुट देखो इनपुट मैं आउटपुट का बताने लग गया था। देखो डायग्राम सेम है ठीक है बस ये क्या ये डायग्राम नीचे आ गया तो नीचे आएगा तो इनपुट पार्ट को लेके आएगा और कॉमन सारा डायग्राम सेम रहेगा जब ये पार्ट नीचे आ जाएगा पैरेलल वाला ऊपर हो जाएगा ऊपर नीचे हो जाएगा ठीक है। देखो कितना इजी है समझना ठीक है और कभी भी करंट यूं हो जाता है ठीक है यूं हो जाता है ये आगे आएगा सब समझ में आएगा बिल्कुल टेंशन मतलब पूरा वायरिंग के साथ डायग्राम बताऊंगा मैं। सिंकिंग आउटपुट आउटपुट में भी दो पार्ट होते हैं सिंकिंग और सोर्सिंग आउटपुट आउटपुट ठीक है। इसमें क्या है देखो आउटपुट स्विच सेम रहेगा इसमें भी बोल रहा हूँ कि देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है लेकिन क्या होगा आउटपुट में इनवर्ट द पीएलसी आउटवर्ट द पीएलसी तो क्या होगा ये पार्ट फिर पैरेलल में नीचे आ जाएगा नीचे आएगा लेकिन वो कॉमन हो जाएगा डायग्राम सेम रहेगा बस ये पार्ट नीचे आ जाएगा क्योंकि देखो कभी भी सिंकिंग में क्या बोला इनवर्ट द पीएलसी पॉजिटिव में जाएगा और सोर्सिंग में नेगेटिव में जाएगा तो वो ऊपर वाला पार्ट नेगेटिव में जाएगा तो नीचे आ जाएगा ना सिर्फ इतना समझने की बात है जब दो पार्टों में भी डिवाइड कर दे लेकिन सोर्सिंग का काम वही है जो मैंने बताया नेगेटिव में आना और सिंकिंग का काम वही है चाहे इनपुट में ले लो या सोर्सिंग में ठीक है। इतना समझ में आ गया गाइस बहुत बड़ी वीडियो होगी कोई नहीं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।